तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं? तो दोस्तों, आज रात के 11 बज चुके हैं और जैसा कि मैं कल बोल रहा था कि जल्दी दुकान बंद करूँगा, और जल्दी तो दुकान बंद किया पर 9:30 बजे बंद करना था मेरे को, पर 9:30 तो नहीं, 10 बज ही गया। धीरे धीरे इधर उधर करते करते 10 बज ही गया, क्योंकि कस्टमर्स थे तो बंद कर नहीं पाया। तो अभी दुकान पूरा बंद करने के बाद, अभी कल तो संडे है इसलिए मैं कल सुबह बैठ पाऊँगा या नहीं पता नहीं यहाँ पे, तो आज रात को ही थोड़ा सा यहाँ पे बैठता हूँ। इसलिए सब कुछ रेडी करके, हिसाब किताब सब लगा के अभी आया हूँ यहाँ पे थोड़ा सा बैठने के लिए। सब सो चुका है घर में, और अभी खाना वाना खा के सब कुछ ये करके यहाँ पे थोड़ा सा बैठने आया। दिन भर मैं अभी चला रहा हूँ इसको, तो अभी इसको चलाने के बाद देखते हैं, 1-1.5 घंटा बैठूंगा यहाँ पर, फिर जाके सो जाऊँगा। और कल संडे है तो कल सोच रहा हूँ कि मैं जो मेरा फुलझड़ी बनाने के लिए जो बारूद लाना था उसको लाने जाऊँगा, पर पैसा भी नहीं है, 500, सिर्फ 500 ही रुपया है मेरे पास, क्योंकि दाल का पटाखा आ गया था तो उसको रख लिया, और इधर इसके लिए पैसा बचा नहीं। तो जाके देखते हैं कल क्या हो रहा। और कल का सामान जैसा का तैसा ही पड़ा है, अभी तक हिसाब किताब कुछ किया नहीं हमने। तो आज लक्ष्मी पूजा था, मतलब लक्ष्मी पूजा का प्रोग्राम था, उधर खाने के लिए बुलाया था पर गया नहीं। उस दिन चंदा दिया था मैंने पर दिया नहीं आज। और दोस्तों, आज मेरा वो सिगरेट जो था वो आ गया, तो कल एक जन मेरा बाकी पैसा दिया था 3,000 रुपया, 3,200 दिया था एक्चुअली। तो इस ये वाला सिगरेट का जो पैसा मेरा 3,000 बाकी था, उसको वहाँ से इसको कैसे जैसे तैसे क्लियर कर दिया। और आज बहुत सारा ये सिगरेट रखा हूँ तो उसमें आज टोटल हो गया 6,700 का बिल हो गया, ये पूरा उधारी में रखा हूँ आज। तो वो बोला कि इसको बेच बेच के मेरे को देना धीरे धीरे। तो पहले का पैसा क्लियर हो गया, और आज का उधारी फिर से 6,000 रुपये का सिगरेट बाकी रह गया, तो इसको अभी बेच के उसको कि फिर क्लियर करना पड़ेगा। बाकी मैं बहुत बहुत ज़्यादा फंसते जा रहा हूँ सारा। इधर लेस वाला का यहाँ 900 बाकी, इसके यहाँ 6-7 हज़ार बाकी, उसके यहाँ तो सारा 19+ है। कोल्ड्रिंक्स वाला का 1,000 रुपये देना बाकी, और जो मेरा रिचार्ज जो कर रहा था मैं, उसका भी कुछ बाकी पैसा है। उसमें बहुत सारा गड़बड़ हुआ एक्चुअली, मेरा उसमें प्रॉफिट दिख नहीं रहा था, खाली मेरा उल्टा मेरा हाथ से पैसा जा रहा था। पता नहीं मेरा गलती था या उनका, पर मेरा प्रॉफिट नहीं दिख रहा था इसलिए मैं उसको बंद ही कर दिया। तो उसमें अभी मेरे को खुद उसको देना है पैसा 900 या कितना, उसको भी अटका के रखा हूँ। अरे बाप रे बाप, उस दुकान बहुत दिन से झाड़ा उड़ा नहीं है तो बहुत कचरा कचरा लग रहा है, बहुत डस्ट हो चुका है दुकान में। सोच रहे दिवाली में हम पूजा कराएं, 2 साल हो गया पूजा कराया नहीं है दुकान में, जब से दुकान स्टार्ट हुआ था तभी सिर्फ हुआ था, उसके बाद पूजा हुआ नहीं दुकान में। तो इस बार भी सोच रहे इस दिवाली में पूजा वूजा करा लें। दोस्तों, मैं एक्चुअली इसमें ये सीखना चाहता हूँ कि मैं जो फिल्मोरा ऐप है, जो एडिटिंग ऐप है, वीडियो एडिटिंग ऐप है, उसको सीखना चाहता हूँ। मतलब बताने वाला तो है ऐसे है नहीं मेरे पास कोई कि इसको ऐसे करने से सब हुआ, तो मैं खुद ब खुद इसको सीखना चाहता हूँ। उससे बड़ा बात तो ये है कि पहले मैं कंप्यूटर चलाने नहीं आता मेरे को, पर इसको देखने के बाद शायद मैं वो सब कर लूँगा धीरे धीरे, कि कहाँ फाइल बनाना है, कहाँ ऑडियो वीडियो सब रखना है, क्या करना है, वो सब भी उतना पता नहीं है। पर मेरे को एक्चुअली एक लाइन से सीखना चाहिए, पर मेरे को इसको ज़्यादा ज़रूरी है, इसको सीखना है। देखिए मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखिए ये वीडियो में फिल्मोरा के बारे में पूरा डिटेल में बता रहा है, 2.5 घंटा का वीडियो है ये। तो मैं इसी को कल या परसों से देख रहा हूँ इसमें कितनी स्पेसिंग होगी, एडिटिंग कहाँ कितना लाइट क्या में कितनी करना है। स्पेसिंग होगी वो चीज़ है, उसके बाद जो है यहाँ पे हमारे पास अलाइनमेंट बहुत है, लेफ्ट राइट। ज़्यादा लंबा वीडियो है पर इसी को सीखना है मेरे को, पर कंप्यूटर चलाना नहीं आता तो इसको पूरा प्रॉपर टाइम दे नहीं पा रहा हूँ, मतलब रोज़ का तो थोड़ा थोड़ा टाइम मिल रहा था। देखिए आज टाइम हो गया आपका, यहाँ पे दिखा रहा 11:07, तो अभी बैठा हूँ यहाँ पे। अभी वैसे भी थोड़ा थोड़ा लगने लगा है पर थोड़ा देर बैठूँगा, उसके बाद चल जाऊँगा सो जाऊँगा, कल वैसे ही बहुत काम है।
ये वाला सीखने के लिए मेरे को बहुत टाइम लगा। एक्चुअली कोई बताने वाला सामने होता या तो मैं इसको ज़्यादा रोज़ 2-3 घंटा कर दे पाता तो शायद जल्दी सीख जाता, क्योंकि एडिटिंग में काइंड मास्टर में करता हूँ ऐसे छोटा मोटा, तो वो चीज़ उसमें उतना खास नहीं कर पाता। इसमें बहुत सारा अच्छा अच्छा दिख रहा है मेरे को, पर इसमें मैं ये सब चीज़ सीख नहीं पा रहा हूँ। देखते हैं कब तक सीखते हैं, कोशिश जारी है, सीखना जारी है, देखते हैं कब तक सीख पाते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही करते हैं, मैं थोड़ा सा यहाँ पर बैठता हूँ और मिलते हैं अगले वीडियो पे। तब तक लिए गुड बाय, गुड नाइट, और बने रहिए दोस्तों मेरे साथ।